वर्ल्ड कप में टीम इंडिया गुरुवार 10 नवंबर को सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी। मैच को टीम की पूरी तैयारी है, लेकिन टीम की चिंता इस बात को लेकर है कि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक में से किसे टीम 11 में रखा जाए, क्योंकि ग्रुप स्टेज में 4 मैचों में दिनेश कार्तिक को आजमाया गया, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। एक मैच में ऋषभ पंत को मौका दिया गया जिसमें महज 2 रन बना पाए थे। इस बीच चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष MSK प्रसाद का बयान भी सामने आया है। प्रसाद ने न्यूज एजेंसी PTI को दिए साक्षात्कार में कहा, गुरुवार को महत्वपूर्ण बहस या मुद्दा यह रहेगा कि कप्तान और कोच अपनी अंतिम एकादश में क्या चाहते हैं। अगर वे इंग्लैंड को असहज करने के लिए शीर्ष क्रम में बाएं हाथ के बल्लेबाज को चाहते हैं तो वे पंत को टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर वे फिनिशर को चाहते हैं तो वे इस काम के लिए कार्तिक के नाम पर विचार कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कौन खेलेगा आज? कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।